उनका प्रमोशन फॉर्म भी मैंने किया था, क्योंकि उसमें आई थिंक 25 करोड़ कमाए, जो पंजाबी हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ी बात है। उसमें मैंने जट एंड जूलियट में दलजीत जो वहाँ का सुपरस्टार है उसके साथ में प्रमोशनल वीडियो मैंने शूट किया था। उसके अलावा और भी काफ़ी मैंने गाने नहीं गाए, मैं सिर्फ उसमें एज अ मॉडल एज एन आर्टिस्ट मैं बॉम्बे आई थी, एक उसमें तो मैं एक्टर नहीं थी, मैंने मतलब कुछ भी थिएटर वगैरह कुछ नहीं किया था, एल्बम किया था। फिर उसके बाद में फिर अपने आप को पॉलिश किया, लाइक थिएटर की एक्टिंग स्किल्स अपने इम्प्रूव की। दैन आफ्टर दैट एक पंजाबी में मैंने थोड़ा बहुत जितने भी मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ हैं अच्छे वहाँ के जो सिंगर्स लाइक सुरजीत भुल्लर हो गए, हरप्रीत हो गए, और जो मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, सो फिल्म में मैंने आई मीन सॉरी म्यूज़िक वीडियोज़ वहाँ पे किए हैं। जी जी डेफिनेटली, इससे पहले मैं काफ़ी प्रिंट एड्स कर चुकी हूँ, टीवी कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग कोर्स मैं कर रही थी, तो काफ़ी लोगों को मैं ऑडिशन दे रही थी, मीटिंग्स कर रही थी। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि रिवॉल्वर रानी में जो कि कंगना रनावत कर रही है उसके लिए लोगों को और भी लोग लाइक न्यू कमर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया उसके बारे में। देन मैंने इनको प्रोडक्शन वालों को अप्रोच किया, दे आस्क्ड मी टू कम फॉर द ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन के बाद में मुझे कहा गया कि आप काफ़ी फेयर हो इस रोल के लिए, काफ़ी आप गोरे लगते हो, तो मैंने कहा वो तो मैं हूँ बींग फ्रॉम शिमला। देन दे वर लाइक अगर हम आपके ऊपर अगर आपका थोड़ा डस्की मेकअप करें, आर यू ओके विद दैट? आई सेड आई डोंट हैव एनी इशू। वो फिल्में सिर्फ नाम के लिए बन रही, मुझे वैसी फिल्में करने से अच्छा ये है कि मैं बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करके खुश रहूँगी, एटलीस्ट जनता आएगी मेरे काम को देखेगी, स्टार को देखने आएगी तो हमें भी तो देख लेगी ना, सो दैट्स द वे आई मीन आई एम समवन दैट। एक दुनी मैंने कम से कम इस वक्त 6-7 में म्यूजिक वीडियोज़ कर चुकी। एल्बम्स के बारे में बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक वीडियोज़ शूट करना, क्योंकि आप पहली बार अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहनते हो और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर के साथ में काम करते हो, और क्या कि दैट वे आप जल्दी लोगों से कनेक्ट करते हो, क्योंकि हमारे अभी भी एल्बम्स का क्रेज भले जा रहा है मगर नॉर्थ में, बिकॉज आई डिड मोस्ट ऑफ पंजाबी म्यूजिक वीडियोज़, अभी भी वहाँ पे ये कल्चर अभी भी जीवित है कि जहाँ पे लोग एल्बम्स देखते हैं, एल्बम्स में लाइक हम जैसी मॉडल्स फीचर करती है, दैट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने तो वहाँ के जो अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे जो वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में काम किया, तो वो चीज़ एक प्लस पॉइंट जी। मैं एक्चुअली सच कहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं भी मल्टी टैलेंटेड हूँ नहीं, बट अभी मैं एक्टिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक साथ में क्या कहते हैं नाव पे, दो तीन नाव पे सवार नहीं करना चाहिए, तो इट्स बेटर कि पहले मैं एक्टिंग पे कंसंट्रेट करूँ, एक्टिंग में थोड़ा अपने आप को मैं जिससे मुझे महसूस होगा कि मैं थोड़ा बहुत तो एक एस्टेब्लिश हो गई हूँ। आफ्टर दैट राइटिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग। मेरा ये मानना है कि आपको जो भी फील होता है जीवन में आपको करना चाहिए, कुछ बुराई नहीं है किसी भी चीज़ को ट्राई करने में, पर पहले एक चीज़ के मास्टर बन जाओ, पहले एक चीज़ की मास्टरी कर दो तो फिर फ़ायदा है कि आप दूसरी तरफ जाओ, एक बारी में मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जर्नी वर्ड यूज़ किया, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है एक्चुअली, बिकॉज जनरली लोग कैसा रहा आपका संघर्ष, कैसा रहा आपका, वो वर्ड से मुझे बहुत नफरत। आई लव दिस वर्ड जो आपने जर्नी यूज़ किया। मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, बींग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कमिंग टू सिटी लाइक बॉम्बे एंड मीटिंग पीपल, एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आना। अभी भी मैं शुरुआत की है मैंने, आई एम समवन अभी बहुत छोटी सी इंसान हूँ इस इंडस्ट्री में, अभी एक शुरुआत की है, बढ़िया से की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोगों का जो साथ मिला है लाइक जीवन में अपनी ज़िंदगी में, और जो मेरे साथ बेस्ट विशेज जुड़ी है, और जो मैंने अपने आसपास सीखा है, जो मैंने संघर्ष किया इस दौरान में, जो मैं मतलब कहते हैं कि मैंने सीखा है, सिर्फ मैंने लाइफ में अपनी हर गलत जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, एंड आई एम श्योर कि वही चीज़ें मेरी एक्टिंग स्किल्स में भी मेरी हेल्प करेंगी। सच कहूँ मेरे फादर ने मेरी फिल्म नहीं देखी है, मदर ने फिल्म देखी है, और मदर्स का तो वही रहता है, अरे यार क्या तू इतनी गंदी लग रही है, बिकॉज थोड़ा डस्की मेकअप किया था, मैंने कहा तू तो गोरी दिखती है पर्सनली, सो मॉम का वो रिएक्शन था, बट दे लव्ड माय परफॉर्मेंस, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनकी डॉटर अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो दे आर वेरी हैप्पी ना। नहीं उनको पहले से ही मालूम थी, क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रही थी दे न्यू दैट वो कंगना के साथ में फिल्म कर रही हूँ, तो वो पहले उनकी एक्साइटमेंट, वो जब मैं शूटिंग करती थी अच्छा आज मेरा ये शॉट था वैसा रहा ऐसा रहा, तो वो ऑलरेडी खुश थे, वो उनकी खुशी अभी डबल ट्रिपल नहीं हुई देख कर, वो ऑलरेडी बहुत कह रहे हैं कि और अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, कोशिश करना कि ज़मीन से जुड़े रहना, अच्छे से काम करना, और तुम डेफिनेटली आगे जाओ। फ्यूचर प्लान ये है कि रिवॉल्वर आने के बाद में मैं डेफिनेटली अपने जो कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स करना चाहती हूँ, और आई होप अगर मुझे ऐसे रोल्स मिलते हैं, वो चाहे कोई न्यू डायरेक्टर्स हो, एस्टेब्लिश्ड हो या कोई भी हो, आई वुड लव टू डू दैट, एंड आई एम रियली मेरे को अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट अच्छे अच्छे अभी रोल्स मिल रहे हैं, बट मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली मैं एक फिल्म कर रही हूँ विच इज़ गोना स्टार इन द मंथ ऑफ नवंबर, वेरी गुड फिल्म विद
बिग स्टार्स एंड आई एम डेफिनेटली देयर एंड स्टार्स है, बहुत अच्छी फिल्म है. मैंने वही कहा कि नेक्स्ट जब वो उस फिल्म की अनाउंसमेंट होगी एक बार मेरे नाम से, नवंबर में शूटिंग शुरू हो रही है, बड़ी फिल्म है, आप सरप्राइज है आप लोगों के लिए. मैं खुद से कॉल करके बोलूंगी आज मेरा नाम मैंने अनाउंस कर दिया है एंड प्लीज कम एंड मीट मी एंड आई विल गिव यू द नेक्स्ट इंटरव्यू. वो होता है ना कि पहले बोल दो फिर बाद में चीजें ना हो तो आगे पीछे हो जाए, तो आप ही लोग बोलते हो तो नवंबर में बोल रहा था अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो वो मैं चीज़ नहीं जानती. फिल्म को लेकर मैं बहुत बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, फिल्म में इतनी दिग्गज थे, फिल्म में देखिए आप जाकिर हुसैन साहब हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, हमारे डायरेक्टर हो गए साई कबीर जी जो ऑलरेडी काफ़ी फिल्में लिख चुके हैं, कंगना रनावत वीर जो थिएटर से बिलोंग करते हैं, और जिशान जो मेरे साथ में पायलट का किरदार वो प्ले कर रहे हैं. तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी, इतनी प्यारी फिल्म का मैं हिस्सा बनी. तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है. और बाकी फिल्म को लेके मैं ज़्यादा क्या बोलोगे समझ में नहीं आ रहा. फिल्म हमने एमपी में शूट की थी, काफ़ी मज़ा आया हमें शूट करके, चंबल में शूट की थी और आगरा भी गए थे. दैट्स व्हाट आई कैन से. चंबल वाले शूटिंग नहीं, मैं एक्चुअली वो सारा कंगना ने शूट किया था, मैं सिर्फ एक दिन थी और मेरा शॉट जो था वो एक्चुअली चंबल में नहीं था, थोड़ा चंबल के बाहर में था, तो मैं वो चीज़ें फेस नहीं कर पाई जहाँ मैं देखूँ कि लोग वो गन वन लेके घूमते. बट ग्वालियर में मैंने देखा था लोगों को, मेरे सामने भी हुआ था कि जब लोग वो गन्स वगैरह कैरी करते हैं और नॉर्मल लोग. मैं एक्चुअली चाट खाने निकली थी बाहर, मुझे याद है, अपने पैकअप के बाद में. आई रिमेंबर देयर वाज अ वेरी फेमस शॉप एंड मैं देख रही हूँ लोग गन्स लेके घूम रहे हैं वहाँ पे, नॉर्मल लोग. फिर दिन में यार पागलों की तरह मतलब गन लेके घूम रहे हैं. एक आदमी, चलो ठीक है, मैंने कहा शायद शिकारी विकारी होगा, कुछ हंटर जैसे, कैसे फॉरेस्ट वाले होते हैं क्योंकि ये जंगल एरिया आसपास में. दूसरा आदमी, तीसरा, पांच छह लोगों को देखा होगा मैंने उस तरीके से. देन आई स्पोक दिस थिंग टू माय अदर फ्रेंड, देन दे टोल्ड मी कि वहाँ पे ये कल्चर है, वहाँ ये रिवाज है, उनके लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग है कि इस तरीके से गन्स.